जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पॉट पॉइंट। दिस अंकित मौर्य। आज 7 अगस्त 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी से हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी सेमेस्टर से हो, चाहे 2 सेमेस्टर हो, 4 सेमेस्टर हो, या फिर फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, या फिर वहीं पे बात करें डी फार्मा की स्टूडेंट है, या फिर जिसका भी ईयरली सिस्टम चलता है, सबकी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी स्कीम आ गई है। अगर आप फाइनल ईयर से हैं तो आपकी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं वह अगस्त में ही होंगे, लेकिन अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के करीब से हैं तो आपके एग्जाम सितंबर में जा रहे हैं। तो आप यह वीडियो एंड तक देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या अपडेट आई है। आज के डेट में लगभग 3:30 बजे के आसपास ये अपडेट आ चुकी है और सभी स्टूडेंट लगभग जो भी मेरे पास भेजे उनको थैंक यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बीटीयू पी का ऑफिशियल साइट पे आएंगे, नीचे न्यूज सेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे लेटेस्ट न्यूज पे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं 4 अपडेट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख सकते हैं जो कि फाइनल ईयर के अगस्त में एनुअल सिस्टम के जो भी होते हैं उनके एग्जाम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के, उसके बाद फाइनल ईयर के, और उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सबको बताता हूँ, फटाफट से आप देख सकते हैं और इस साइट पे भी आके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे अपडेट फाइनल ईयर वालों को ज्यादा नहीं, सिर्फ 8-8 दिन का टाइम मिला है स्टडी के लिए, मैंने भी थोड़ा देखा। हालांकि अभी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से इसको उतना देखा। हाँ, यहाँ पे आप देखिए यह जो एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर, लेकिन एनुअल सिस्टम जिसका चलता है उसका। और यह देखिए 4/8/2021 को अपडेट किया गया, यानी आज से वीडियो जब बने इसे 3 दिन पहले इसे कह सकते हो बनाए गए हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कुछ इस तरीके जो एनुअल ब्रांचे हैं कुछ यही हैं, बस 2 ब्रांचे, एक तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और दूसरा डिप्लोमा इन फार्मेसी का। यहाँ पे 2 आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएंगे इस डेट पे, इस स्कीम के इनके एग्जाम कराए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम दूसरे बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इवन सेमेस्टर है। ठीक है, और यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह फाइनल ईयर का नहीं है, यह 2 और 4 सेमेस्टर के हैं। देखिए यहाँ पे तो सबका दिखाना तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ उसे देख लीजिए आप फटाफट से। जैसे कि 340 लगभग 300, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे ले चलता हूँ, सीधे कहने का मतलब यह है। ठीक है, 329 ब्रांच, हालांकि मेरा आईसी ब्रांच है इस वजह से मैं इस पे ले चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं बीएमसी जो है 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से, और इसके बाद 14 तक जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। बाकी इसी में देख सकते हैं 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर दोनों दिखा रहा है। ठीक है, टाइमिंग देख सकते हैं अलग अलग टाइमिंग एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है। और यहाँ पे लास्ट अपडेट देखिए यहाँ पे आज ही किया गया है। ठीक है, जिस दिन ये वीडियोज बन रही है इसी दिन इसे अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे जो सब डेट वगैरह मतलब आ गई है, और बाकी टाइमिंग इसलिए चेंज है क्योंकि कम प्रॉक्टर वगैरह उतने नहीं रहेंगे एक साथ ना, इस वजह से कम कम करके कराए जाएंगे, अलग अलग टाइम एग्जाम कराए जाएंगे। उसके साथ ही 328 पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच है, अगर उसके बाद की अगर बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेमेस्टर से हैं। तो अगर यहाँ पे 2 और 4 सेमेस्टर से हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस का है, तो इस तरीके से सभी ब्रांच का यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2 और 4 सेमेस्टर का, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सभी ब्रांचों को इसी तरीके से या पीडीएफ वगैरह आपको जल्दी स्टडी पावर पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बीटीयूपी के ऑफिशियल साइट पे भी आके देख सकते हैं, और सभी लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। और बाकी चलिए दिखाते हैं दूसरी चीज। डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है, या फिर उसे टाइप कर सकते हैं, या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकेंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। यदि आप फिलो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो STP005 रेफर कोड को यूज करना ना भूलें, इससे आपको स्टडी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ एनुअल सिस्टम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फार्मेसी वगैरह वालों को देख सकते हैं डिप्लोमा फार्मेसी और डिप्लोमा में टूल एंड मॉड्यूल मेकिंग का, यहाँ पे 2 ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट यहाँ सेमेस्टर और इसका देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। और उसके बाद अगर हम बात करें एक अगला और है जो कि यहाँ पे सिर्फ
फाइनल ईयर वाले हैं, ठीक है, जो यूपी से पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर की स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ देखते हैं कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रिकल आईसी खास करके, क्योंकि मेरी ब्रांच है 329 कोड पर इलेक्ट्रिकल आईसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर एंड MDS जो हम लोग का यूपी बोल सकते हैं, MDS बोल सकते हो, इसका जो पेपर गया है वो 16/8/2021 को गया है, 9 से 10:30 के बीच में है। और IMRE जो गया है वो 20 को गया है, ठीक है। और साथ में UEE की अगर बात करें यूटिलाइजेशन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो 24 को गया है। टाइमिंग भी देख सकते हैं 2 से 3:30 है, 9 से 10:30 और 9 से 10:30, इस तरीके से चार मतलब गैप दिया गया है। 16 को तो हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद 4 दिन की गैप है, अच्छे से जो पढ़ना चाहेंगे वो कर लेंगे। और उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने में जाए। AP इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच के हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सारी ब्रांचें होती हैं उनके भी देख सकते हैं। तो ये टोटली फाइनल ईयर का है, ठीक है। और यह सभी PDF आपको स्टडी पावर पॉइंट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप वहां से इसे देख सकते हैं, नहीं तो फिर VTUP का ऑफिसर साइट पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिकल का भी देख सकते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे इस तरीके, देखिए इलेक्ट्रिकल का तो है ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ और भी ब्रांचें हैं, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी की हो गई, मैकेनिकल देखिए कैड का हो गया, यहाँ पे 20 से इन लोग का स्टार्टर है, 20, 21, 23, 24, जो कि बहुत लगातार एकदम पेपर कराए जा रहे हैं इन सबके। मैकेनिकल में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 20, 21, 23, 24, क्योंकि दोनों ब्रांच लगभग सेम ही है, सब्जेक्ट भी लगभग सेम ही होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत अंदर होता है, जैसे ICMC करके है तो इसमें भी देख सकते हैं, ITMC करके एक सब्जेक्ट यहाँ पे बदला टूल वाला है, और इसमें क्या है कोई दूसरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कैड है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। और बाकी यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो अपडेट है, मैंने कहा था जल्दी आपको देखने में, बाकी फाइनल तो आ ही गया है। जो और भी स्टूडेंट जिसका थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा है तो वो लोग अपने मतलब फटाफट से कर लें, 8 दिन का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, और स्टडी पे एकदम डबल स्पीड से अब काम करना चालू कर दें, कहीं घूमने टहलने का समय नहीं रह गया है, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। यह थी आपकी स्कीम फाइनल ईयर से, या फिर 2 और 4 सेमेस्टर से, या फिर डी फार्मा से, या फिर ईयरली सिस्टम से, सभी का यहाँ पे आप स्कीम देख सकते हैं। इन सभी स्कीम को स्टडी पावर पॉइंट टेलीग्राम चैनल में भेजा जा रहा है, आप वहाँ से देखिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।